सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। अरे अच्छा हुआ सुलेखा, इस बहाने तो घर पर तो आई, वरना मैं तो तुझे बुला बुला कर थक ही गई थी। चाहती तो मैं भी थी, पर देखना फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज भी समय निकाल कर आई हो। वो कहे कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत आ गई है, और तुझे पैसे दिए हुए भी एक साल से ऊपर हो गए, तो मैं सोच रही थी कि तू पैसे वापस कर देती तो। सुलेखा, अरे मैं तुझे तेरे पैसे वापस कर देती, लेकिन क्या हुआ ना इस महीने, वो जो मेरी ननद है ना अर्चू, उसकी सगाई तय हो गई, उसी में सारा पैसे खर्चा हो गया। लेकिन तू चिंता मत कर, नेक्स्ट मंथ ना मैं तुझे तेरी पूरी रकम चुका दूंगी, तू चाह ले ना। चल कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन इंतजार किया एक महीना और से, और वैसे भी मेरे पैसे तेरे पास डूबने वाले तो नहीं है। बिल्कुल सही। और तेरी पुन्नी कैसी है? पुन्नी? पुन्नी बहुत ही अच्छी है, पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करती है। पढ़ाई का तो नाम तू ले ही मत, तेरी पुन्नी से भी बुरा हाल है मेरी पीहू का। पता नहीं उसे पढ़ाई से क्या एलर्जी है, और मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, पर वो कुछ सुनती ही नहीं है। डांट कर मार कर हर तरह से देख लिया, इनफैक्ट मैंने उसे रूम में भी बंद कर दिया था, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अरे तो तू कोई ट्यूशन टीचर क्यों नहीं लगवा देती? वो भी करके देख चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी टीचर घर तक आता है उसकी शरारतें देखकर वहीं से भाग जाता है। बस सोचती हूँ कि कहीं से पीहू के लिए बहुत अच्छी सी टीचर मिल जाए तो मैं उसे मुंह मांगी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा मंजू, तेरी नजर में कोई है तो बताना, मैं तेरा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। पीहू के ट्यूटर के लिए अर्चू से बढ़िया चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर मैं अर्चू को विदाउट फी पढ़ाने के लिए राजी कर दूं तो सुलेखा तो अपने आप अंडर ऑब्लिगेशन आ जाएगी, और फिर वो मुझसे उसके पैसे भी नहीं मांगेगी। अर्चू, अर्चू रुक एक मिनट, इससे मिल, मेरी फास्ट फ्रेंड है सुलेखा, सुलेखा बर्वे, और सुलेखा ये है मेरी ननद अर्चना। नहीं नहीं वर्षा, खाना इतना बढ़िया बनाया था कि मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। मौसी तुम्हें तो क्या? अरे ले लो। हाँ। भावना ताई, सच में बहुत गुनी बहू मिली है तुम्हें, मुंबई की होते हुए भी इतनी विनम्रता, इतने अच्छे संस्कार, और खाना भी कितना अच्छा बनाया था इसने। मौसी ये खाना बनाना मुझे आई ने सिखाया, इसलिए सारा क्रेडिट मेरी आई को जाता है। अरे ये मानने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल, जो तेरे पास है, वरना आजकल की बहुएं तो सास की अच्छाई का जिक्र तक नहीं करती। खाना खाया कि नहीं तुमने? नहीं मौसी, निरंतर खाए। अरे बाद में? कब बाद में, पहले कितनी देर हो चुकी है। इस हालत में समय पर खाना और समय पर आराम करना बहुत जरूरी है। अब ताई के होते हुए हमें ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आराम तो करती है ना, अपना ध्यान तो रखती है ना तू? हो मौसी। अब ज्यादा तनाव लेने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है बेटी, क्यों ताई, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ कालिंदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि वर्षा वर्षा ठीक से घर में आराम करे, क्योंकि काम और घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्या
इस हालत में नौकरी कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई तू? अरे तेरा पति इतना अच्छा कमाता है, फिर क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? तो कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? और फिर 4-5 महीनों की तो बात है, घर पर रह, आराम कर और अपनी सेहत का ध्यान रख बेटी। आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप जयवंत से अपना बदला लेना चाहते? आप मेरी शादी उनसे तुड़वाकर बदला लेना चाहते? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार में सब कुछ तोड़ दिया अर्जुन। हम दोनों के बीच में जो भी विश्वास था, जो भी प्यार था, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया तुमने। तक आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा। बस किसी तरह अर्चना को एहसास करा दीजिए कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे रोकिए पापा, प्लीज उसे रोकिए। सही फैसला करने में उसकी मदद कीजिए पापा। मानव से इस तरह का बर्ताव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पापा, लेकिन दोनों घरों की भलाई के लिए मुझे करना होगा। मुझे शक्ति देना कि मैं मानव से दूर रह सकूं।
तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ मेरे साथ। सुलेखा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल जब तूने मुझसे कहा ना कि तुझे ट्यूशन टीचर की जरूरत है तो मेरे दिमाग में अर्जु का ही नाम आया था। अरे नहीं रे, उसे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब तक उसकी शादी होगी ना वो फ्री है, जॉब छोड़ दिया है उसने। अरे नहीं, घर का काम? अरे वो तो सब मैं कर लेती हूँ, वैसे भी अर्जु बैठी बैठी बोर ही होती है। उसे था वो पीयू को आकर पढ़ा देगी, उसका भी टाइम पास हो जाए। मैं बात करती हूँ ना उससे। क्या? अरे तेरे और मेरे बीच में पैसों की बात कहाँ से आ गई? अरे नहीं रे देख, मेरी ननन तेरी ननन, वो आकर पीयू को पढ़ा देगी ना तो वो उसके पैसे नहीं लेगी। चल मैं तुझे ना अर्जुन से बात करके कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? चल बाय। अर्चू अगर हाँ कह देना तो लाइफ फिट है। अरे अर्चू काय झाला, ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है तू? कुछ खास नहीं, वो मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी। तेरी दूसरी शादी होने को है, तभी तेरे पैर फिसलने की आदत गई नहीं अब। अरे तू बैठ यहाँ पर, खड़ी रहेगी ना तो दर्द बढ़ेगा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ या फिर चाय लाऊं? नहीं बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्चु मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कहिए। अब मैंने तुझे मिलवाया था ना मेरी फ्रेंड से सुलेखा, उसकी एक बेटी है पीहू, अपनी पुन्नी से एक साल बड़ी होगी शायद। बहुत बदमाश लड़की है, मैथ्स और साइंस में एकदम वीक है। तो सुलेखा मुझे कह रही थी उसे कोई ट्यूशन टीचर की जरूरत है, तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया। वैसे भी शादी तक तू फ्री है ना, कोई काम तो है नहीं तेरे पास, उस बच्ची को पढ़ा देगी तो उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है वहनी, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी। ठीक है। अर्चू वो पैसों की बात कर रही थी मुझसे तो मैंने उससे मना कर दिया। देख मैंने ये सोचा कि अगर जैवन के आई बाबा को पता चलेगा कि तू जॉब कर रही है तो वैसे तू कहेगी तो मैं बात कर लूंगी। नहीं बहनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उन्हें कह दीजिए कि मैं उन्हें कल से पढ़ाने आऊंगी। ठीक है, एक मिनट आई। हाँ आई थाम ना जरा, आई तूने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। अरे तुझे पता है मैंने अर्जुन को तैयार कर लिया है सुलेखा की बेटी को पढ़ाने के लिए, और तुझे पता है वो उसे फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई। अब तो एहसान हो जाएगा मेरा, है ना? अरे सुलेखा पर एहसान हो जाएगा ना मेरा। और तू देख जो पैसे मुझे उसे देने हैं ना वो भी अब नहीं देने पड़ेंगे, शायद वो मांगे ही ना मुझसे। चलो अच्छा वाह, अब तू भी ना मेरी तरह सोचने लगी है। तुझे एक बात बताओ मंजू, मुझे ना पहले से ही उस अर्चना से बहुत चिढ़ थी, मुझे तो हमेशा लगता था वो बहुत बुरी है, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है वो इतनी बुरी नहीं है। अरे वो तो बेवकूफ है, इमोशनल फूल। आई तू बिल्कुल ठीक कह रही है। खैर जो भी है, मेरा काम तो आपको आई का फोन आया था क्या? मेरा मतलब है आई मामा के घर से आपको फोन कर रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे शायद।
नहीं तो अर्जु, आई का तो मेरे पास फोन नहीं आया। शायद विनोद या बाबा के पास आया होगा, उनसे पूछ लो। ठीक है। कड़ाई में आएगी। पापा, हेलो। यस सर। व्हाट? रियली? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो यकीन मुझ पर दिखाया, sir, I will never let you down. And trust me, I'll give my best. Sir, thanks once again. Yeah, bye. आई बाबा, हमारी कंपनी की हायर मैनेजमेंट मेरे काम से बहुत खुश है और वो लोग हमारे कंपनी के नए सॉफ्टवेयर का इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने और उसे एग्जीक्यूट करने मुझे US भेज रहे, वो भी 6 महीने के लिए। ग्रेट। 6 महीने? हाँ आई। 6 महीने के लिए तुम वहाँ कैसे जा सकती हो वर्षा? अरे इन 6 महीनों में तो तुम्हारी डिलीवरी की डेट आ जाती है। मुझे एक चीज वाकई समझ में नहीं आती वर्षा, अरे तुम बात समझ नहीं रही हो या फिर जानबूझ के समझना नहीं चाहती हो? ऐसी कौन सी जिद है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान पे बना ये वर्षा? आई सॉरी, पल भर के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैं भूल गई थी। मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं वर्षा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तुम झूठ बोलने पे आती हो ना, तो तुम कुछ भी बोल सकती हो। भावना, बस भी करो। वर्षा बेटे, तुम अंदर जाके आराम करो। धर्मेश सुनो ना बाबा, आज वो हमारे ऊपर कापड़िया जो रहते हैं ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है तो बर्थडे पे बुलाया हम लोग, ठीक है? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, और जल्दी आना थोड़ा सा, हमें गिफ्ट भी खरीदना है, तो तुम जरा सजेस्ट भी कर देना क्या खरीदना है। क्या है? कुछ भी खरीद लो। अरे कुछ भी क्या खरीद लो, बच्चों की चीज है, मुझे पता नहीं चलती, तुम थोड़ा समझा दो ना। क्या कर रही हो? एक इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज देख रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। शो क्या कर रही हो? तुम इतना इमेच्योर कैसे बिहेव कर सकती हो? मैं एक इंपॉर्टेंट बिजनेस बुलेटिन देख रहा हूँ और तुम लाओ रिमोट दो। मेरी सारी चीजें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऐशो बचपना मत करो, तुम अच्छी तरह जानती हो ये फालतू किस्म की इमोशनल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लाओ रिमोट दो। मानो अजीत कैसा है? जी ठीक है। कभी कभी किस्मत बिना किसको कहाँ पहुंचा देती है कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया। जो हुआ उसमें कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। छोड़, तू यहाँ काम के लिए आया ना? जी। देखो मानो मैं तुम्हें शुरुआत में 6,000 रुपए दे सकता हूँ। अब अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा, और अगर तुम काम शुरू करना चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दो। जी जी मंजूर। अर्चना, चेवंत आइए ना, बैठिए। नहीं उतना समय नहीं है। अर्चना कल आई से तुम्हारी बात हुई थी ना, कुछ जेवर वगैरह के ऑर्डर के लिए तुम दोनों साथ जाने वाले थे। हाँ उसी के लिए लेने आया हूँ मैं। लेकिन आप? हाँ जरा प्रोग्राम बदल गया, आई कुछ काम में उलझ गई है तो उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पसंद के जेवर फिक्स करूं और ऑर्डर दे दूं, ठीक है ना? मैं अभी आई। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बस देखती जाओ अर्चना।
मैं अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाता हूँ?